ये क्यों ड्रामे देखती है, तो इतनी सी है, छोटी हूँ यार, माफ कर दो। लाइक कौन लोगे, मेरी अम्मी तो नहीं? अच्छा सही है, बहुत शुक्रिया मीरा बली आपके वक्त का। थैंक यू, हमने आपके लिए आपको पकड़ लिया। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बल्तिस्तान से बहुत कम लड़कियां इस फील्ड में आई हैं, आप कैसे दाखिल हुई? मैं बल्तिस्तान कभी रही नहीं हूँ। I know a lot of people from Baltistan are going to be really upset when they hear this. लेकिन मैं सऊदीया में रही थी ज़िंदगी भर तक, और फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गई 2015 में। हूँ बल्ती, अम्मी अबू दोनों उधर से हैं, लेकिन बस मैं आ गई यार, बस सुल्तान ने बोला यू शुड गो इन दिस फील्ड एंड आई सेड ओके, तो हो गया ये। हाँ, बोलती हूँ, अब आप बोलने को कहेंगे मुझे पता है नेक्स्ट सवाल यही होगा। ओके ग्रेट, आई डोंट वांट देम गेटिंग ऑफेंडेड अगर मैंने गलती से भी कुछ हल्का कह दिया, जो कुछ और लफ्ज़ और वो कुछ और निकले। मेरे अम्मी अबू ने काफ़ी ये चाहा कि उनकी डायलेक्ट थोड़ी ख़त्म हो रही थी, मतलब ऑब्वियसली एज टाइम गोज बाय आपकी डायलेक्ट थोड़ी कम होती, बच्चों में नहीं आती। मेरे अम्मी वो बचपन से मुझे कहते नहीं, उन्होंने बल्ती इंग्लिश और उर्दू घर में बहुत, हमारी बल्ती बहुत बोली गई है। अम्मी अबू कोई सीक्रेट बात करते थे बल्ती में, तो मैं बोलती थी समझ आ रही है मुझे, फिर वो कहते गलती कर दी इसको सिखा के, लेकिन सीखी हुई है। ये बताइएगा मीरा कि आप बबाल एक ड्रामे में आजकल चल रहा है जिसमें आप सारा खान को हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं, छोटी बहन होने के नाते। मैं अपने घर में भी छोटी हूँ लेकिन सबसे बड़ी भी हूँ मेंटली। कुछ होते हैं घर में जो ज़्यादा सिंपथेटिक होते हैं, ज़्यादा एम्पथेटिक होते हैं, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा फील करते हैं, अपने हालात को ज़्यादा समझते हैं। तो जितना मुझे माहम को देख के समझ आई, मुझे लगता है वो भी ऐसी है जो बचपन से, लाइक आई सेड शुरू में, आप जो भी ड्रामा देख रहे हैं वो है उनकी आई थिंक मिड लाइफ जो भी उनकी गुजर रही है, जो बचपन से वो लोग चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं दूसरे के साथ, वो हमने नहीं देखा एज एन ऑडियंस, हम सब ने नहीं देखा कि वो कितना तंग करती होगी माहम या कितना अनम तंग करती होगी। तो माहम इज़ द काइंड ऑफ चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स के बहुत करीब है और उनके मसले समझती है, और अनम थोड़ा नहीं समझती। तो माहम ना चाहते हुए भी बड़ी बहन बन चुकी है इन हर हेड कि यार ये तो नहीं सुनती, मैं घर को संभाल लेती हूँ। तो वो आई थिंक उस तरीके से ज़्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड, उसके पेरेंट्स उसको थोड़ा पहले कहते हैं कि अच्छा इसकी सुन लेते हैं, इस जैसे बनो। तो मेरे घर में भी मुझे बोलते हैं, तो पता नहीं माहम सही घर ही आई थिंक। सारा खान क्योंकि एस्टैब्लिश स्टार है और आप अभी अपने कैरियर की इब्तिदा में हैं, तो कैसा लगा उनके साथ काम करना? थोड़ा डर लगा कुछ शुरू में कि यार ये लगा तो सही, जब मुझे याद है पहला सीन कर रहे थे, मेरा सारा बहुत कम बोलती है सेट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसे सीख रही हूँ काफ़ी। वो बहुत कम बोल रही थी, हंस रही थी, बहुत स्माइली, हमेशा लाफिंग, हमेशा एक अच्छा मूड रखती हैं सेट पे। बट पहला जो सीन था, ऑब्वियसली उससे पहले हमारी कोई इतनी बातचीत नहीं हो चुकी थी, फलक भाई से मिली थी ऑन द फ्लाइट टू कराची, तो मैं थोड़ा थी कि अच्छा फलक भाई तो बहुत ही सो स्वीट एंड सारा भी अच्छी होंगी, इसका मतलब उनके बिहेवियर के थ्रू मैं सारा अगर प्रेडिक्ट करना चाह रही थी। बट मेरा पहला सीन था, बट अमेजिंग कुछ भी, मतलब मुझे लगता है जब आपके सामने को इतना अच्छा हो तो परफॉर्म था वैसे भी कर लेते, लेकिन मज़ा जब आता है परफॉर्म करने का वो तभी होता है जब सामने वाला आपका को एक्टर फन इंसान हो। तो अब तो खैर सारा से 3-4 महीने हो गए हम लोग को काम करते हुए साथ, सारा इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन। एक दिन दो दिन डर लगा, तीसरे दिन मैंने कहा ये तो, अरे ये तो मेरी बहन है, तो फिर वो वाला सीन हो गया था उसके साथ। बट वो अभी तक मुझे उसने बीच में 2-3 लाइन्स थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कैसे डिलीवर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें मूड क्या होगा माहम का, तो वो सारा मुझे गाइड कर देती है, अच्छा मीरा तुम इसमें ये कर लो, आंखों के साथ खेल लो, ये कर लो, तो सारा इज अमेजिंग। अच्छा वैसे आपने कभी कहा था अमीन इकबाल डायरेक्टर से कि यार ये जो रोल है ना आप छोटी बहन का बना दें, बस थोड़ा सा तंग करने वाला और सारा को मुझे लगता है कि अमीन भाई इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, और अगर उन्होंने मुझे कोई रोल दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो आई नेवर वॉन्ट टू मेस विद द डायरेक्टर्स वर्क, अगर उनको रोल देना ही होता तंग करने वाला तो वो दे देते। तो अभी ही ऑब्वियसली थॉट इन हिज हेड कि अभी ये छोटी बहन जो ज़्यादा समझदार है उस वाला रोल बेहतर कर सकती है, तो उन्होंने वैसे दे दिया। तंग करने वाले बहुत अभी ज़िंदगी बहुत इंशाल्लाह है, मैं करूँगी, आप लोग देखेंगे मुझे तंग करते हुए भी। से आपने शुरू किया था अपना करियर, वहाँ से आज तक अपने एक्टिंग करियर को कैसे देखते हैं?
मुझे लगता है कि सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुँह मियाँ मिठू तो नहीं बनूंगी मैं, लेकिन जितना सुना भी है, मेरी अम्मी सबसे हार्श क्रिटिक मेरी अम्मी है, उनके कमेंट्स को मैं बहुत दिल पे लेती हूँ। तो वो मुझे यही कहती हैं कि यू नो यू आर इवॉल्विंग आहिस्ता आहिस्ता। जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए तो जैसे मैं अभी नई नई इंडस्ट्री में आई हूँ, हम लोगों के पास ये नहीं होता कि अगर 3 ड्रामे हैं तो एक एक साल में हो रहे हैं, वो एक साल में मैंने 2 अभी परेशान और ये एक ही साल में किया, तो टाइम लगता है। और मैं कमेंट्स काफ़ी पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा ठीक है ये, मैं बुरा नहीं मानती कोई कहे कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तो मैं बोलूँ तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं कहती हूँ ठीक है कुछ सही देख कर ही, ऑब्वियसली ऑडियंस का ओपिनियन रियली मैटर्स। तो मुझे लगता है सो फार सो गुड, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, इंशाल्लाह भी और एवेन्यूज जब मिलेंगे और स्क्रिप्ट्स मिलेंगी तो थोड़ा और एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। आप उन अदाकारों में से जिनको एक कहते हैं ना कि फौरी तौर पे एक शनाख्त मिली, फौरी शोहरत मिली, तो ये इस पर आपको दबाव थोड़ा ज्यादा लगता है या आप कहते हैं शुक्र है खुदा का बस चलो आगे लेके चलते हैं? मैं शुक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ अभी भी जो कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए, लेकिन दबाव तो ऑब्वियसली पड़ता है, लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि यार मतलब मैं छोटी हूँ यार माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि काम से ही जवाब इंसान देता है जो आपका काम ऐसा हो। तो दबाव के साथ साथ मैं शुक्र भी करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है अगर मैंने कहीं कुछ गलती की है तो नेक्स्ट टाइम मैं सुधार दूँगी उस चीज़ को। तो अब सो फार सो गुड, आई थिंक सीधी लाइन पे मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह इसी लाइन पे मैं जाती रहूँगी। अच्छा एक सवाल पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, हमारे ड्रामों पे आजकल खवातीन के साथ जो बहुत ज़्यादा जुल्म दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा मजलूम खवातीन दिखाई जाती हैं, खासकर मारने पीटने के बहुत सीन होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं होना चाहिए, मैं तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि बहुत ज़िंदगी के मसले भी हैं और बहुत ज़िंदगी के लेसन्स भी हैं जिस पर आप ड्रामा बना सकते हो, बट देन अगेन स्क्रिप्ट्स का ही सारा कुछ होता है। हमारे बहुत टाइम से आई थिंक ये मारने पीटने वाले ड्रामे चल रहे हैं, रिलेटेबल भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली घर बहुत होता है ऐसे फैमिलीज के अंदर, जो ड्रामे होते हैं वो ऑब्वियसली सिर्फ एक ऑडियंस एक क्राउड को नहीं पॉइंट कर रहे होते कि अच्छा आपके लिए हम ड्रामा बना रहे हैं, इट्स फॉर एवरीबडी। तो ये जो घरेलू मसले होते हैं काफ़ी जगहों पे होते हैं जहाँ पे औरतों को मारा जा रहा होता है, मुझे लगता है अगर दिखाना भी है औरतों को मारना तो इस तरीके से दिखाएं कि कोई लेसन तो हो कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि आप ग्लैमराइज करो कि वो मार रहा है एक हीरो मार रहा है हीरोइन को, हीरोइन तब भी उससे प्यार करिए, ये ग्लैमराइज करना होता है। ऊपर से आजकल बहुत नए, मैं अभी कुछ दिन पहले इतनी सी बच्ची मेरे पास आई थी और मैं उसकी मम्मी से पूछी थी ये क्यों ड्रामे देखती है तो इतनी सी है, तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि वी रियली नीड टू बी केयरफुल विद व्हाट वी शो ऑन टीवी, किस बच्चे बहुत देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं देख के कि देखो उस हीरो ने मारा लेकिन वो अच्छा भी तो निकला, तो अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसे इंसान के साथ कुछ बुरा करा हो तो बहुत ये इफेक्ट करता है आपके दिमाग को कि उस टाइम वो इस सर्टन एक्टर ने तो कर लिया और तब भी उससे प्यार हो गया तो खैर होगी, तो बहुत केयरफुल रहना होता है आपको, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग अ शो टू सच अ ग्रेट ऑडियंस, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो या होना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अदाकारी में तो आपने कदम रख दिया, ड्रामों पे फोकस है या इरादा है कि आप फिल्मों में छलांग लगाएंगे? इरादे तो हर चीज़ के लिए हैं, इरादा आई थिंक हमेशा आपकी जो पोटेंशियल अपना आपको पता होता है, लेकिन ख्वाहिशात हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी करना है ये भी करना है, उसी तरीके से आप रीच कर सकते हो, बट है तो सही इंटरेस्ट हमेशा मेरा रहे इन एक्टिंग वेदर इट बी फिल्म्स और ड्रामास, तो इंशाल्लाह इफ एनी अपॉर्चुनिटी कम्स आई टेक इट। अच्छा अब एक दो सवाल, आप जब आई आपकी एंट्री बहुत धमाकेदार थी, फिर इत्तला आई आपकी आसिम अज़हर से मंगनी की, अल्लाह जी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, शोबिज़ में वही बात, मेरा आने का प्लान भी नहीं था कभी भी, आई तो आई और फिर वो हो गया, फिर एज टाइम पास बाय फैमिलीज हम सब ने मिल के सोचा कि ये भी कर लेते हैं, तो वो हो गया, कोई प्लानिंग नहीं थी कि अच्छा मैं शोबिज़ में आऊँगी फिर से इंगेजमेंट करूँगी फिर ये, इतना कोई इतना दिमाग होता तो बहुत आगे होती हुई मैं ज़िंदगी में, अभी इधर ही हूँ मैं। अच्छा तो कई लोगों ने कहा था जब मुझे बताया कि भाई मैं इंटरव्यू करने मेरा का है इरादा, मैं कहा एक बात पूछना शादी कब करनी?
शादी क्यों करनी है? हे लाइक कौन लोगे, मेरी अम्मी तो नहीं है? अच्छा सही है, शादी कब कर रही हूँ? इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। प्लान, मैं प्लान नहीं करती चीज़ों को वसंत भाई, ऑनेस्टली मैं कभी भी प्लान नहीं करती। यही है कि जितना जल्दी और जितना कन्वीनियंट हमारे फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स में, हम बड़ों पे छोड़ते हैं सारे सवाल और जितने जवाब, बड़े जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे वो, हमें तो कोई इशू नहीं है जल्दी हो लेट हो। मुझे पता चला है कि आप एक्टिंग में आने के बावजूद, पॉपुलैरिटी के बावजूद, आप अपनी एजुकेशन, तालीम अपनी जारी रखी हुई है, तो आप क्या कहें जो लोग 24 में आके तालीम छोड़ देते हैं, तो आपने कैसे जारी रखी और आप क्या देख रही, क्या करना चाहिए आगे, तालीम किस शोबे में करना चाहिए, क्या करनी है? ठीक, देखिए आई थिंक हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, अपनी 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 प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर किसी ने पढ़ाई करनी है वो करें, अगर नहीं करनी ना करें, मुझे किसी से कोई इशू नहीं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरा अपना ये था कि बिकॉज़ मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, ये नहीं कि मुझे डिग्री लेनी है, मुझे वैसे भी पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने बीच में गैप ईयर लिया था बिकॉज मैंने अप्लाई करना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, लाहौर में एक उनकी एक्सटर्नल डिग्री, मैं बताऊंगी नहीं वरना लोग आ जाएंगे उधर, लेकिन उधर एक एक्सटर्नल डिग्री, उधर से मैं लाहौर से ही कर रही हूँ। बट मेरा प्लान लास्ट ईयर, उससे पहले ज्वाइन करने का था, लास्ट ईयर का मैंने गैप ईयर लिया था, लेकिन मैं लेट हो गई एडमिशन्स को, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर लूँगी। तो गैप ईयर लेके अब मैं लॉ कर रही हूँ, तो मुझे शौक था लॉ में हमेशा, भैंसों भाई बड़ा अच्छा करती हूँ मैं, लोगों से सुना है मैंने, तो मैंने कहा वाई नॉट पुट इट इनटू यू नो माय एजुकेशन एज वेल। तो रट्टे में बहुत अच्छी हूँ, स्क्रिप्ट्स का काम है मेरा, तो अब लॉ कर रही हूँ मैं लाहौर से और फिर डिग्री लंदन की। लेकिन आपको थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।